विदिशा जिले में हिंदू उत्सव समिति के द्वारा आरएसएस के पूर्व प्रचारक चेतन भार्गव और उनके साथियों पर षड्यंत्र पूर्वक केस दर्ज किए जाने के खिलाफ और चेतन भार्गव के पक्ष में मुख्यमंत्री के नाम अनुविभागीय अधिकारी कुरवाई को ज्ञापन सौंपा है। हिंदू उत्सव समिति के अध्यक्ष नंदलाल साहू ने बताया कि पूर्व संघ प्रचारक और समाज सेवी चेतन भार्गव और उनके साथियों पर जनता के बीच जाकर मास्क बांटने और कोरोना के बचाव को समझाइश देने के दौरान थाना प्रभारी आसोन के द्वारा षड्यंत्र पूर्वक धारा 188, 269, 270 और अन्य धाराओं में चेतन भार्गव सहित अनेक साथियों पर प्रकरण दर्ज किया है। हिंदू उत्सव समिति कुरवई के द्वारा किए गए प्रकरण दर्ज का विरोध किया जाता है। भार्गव उनके साथियों के विरोध में दर्ज प्रकरणों पर तुरंत खात्मा लगाए जाने को लेकर ज्ञापन सौंपा गया है। खात्मा सौंपने वालों में बजरंग दल जिला संयोजक सचिन यादव, मुकेश तिवारी, सुरेंद्र यादव, बैजनाथ सिंह गुर्जर, लालू चौबे सहित उनके समर्थक शामिल थे। विदिशा कुरवाई से आशीष सेले की रिपोर्ट। विरुद्ध दर्ज की गई एफआईआर का खात्मा किया जावे। दिनांक 10/8/2020 भौजी नंदलाल साहू अध्यक्ष एवं समस्त सदस्य हिंदू उत्सव समिति कुरवाई के तहत चेतन भार्गव उनके साथियों के विरुद्ध प्रकरण दर्ज किया गया है। जबकि लॉकडाउन के काल में अन्य राजनीतिक व्यक्तियों द्वारा गांव-गांव जाकर चुनाव प्रचार के दौरान हजारों लोगों की भीड़ एकत्रित कर लॉकडाउन का उल्लंघन किया जा रहा है, परंतु अधिकारियों द्वारा उन नेताओं के विरुद्ध कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है, जिससे स्पष्ट हो रहा है कि चेतन भार्गव जी द्वारा किए गए सेवा कार्यों करने से नेताओं को चिढ़ हो रही है, जलन हो रही है, जिससे चेतन भार्गव जी के विरुद्ध एफआईआर दोषपूर्ण एवं षड्यंत्रकारी है, जिससे पूरे हिंदू समाज में रोष व्याप्त। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।